मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर बिहार से। लॉकडाउन का पहला चरण होने वाला है खत्म। पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान 900 गाड़ियों से 10 लाख जुर्माने की राशि की वसूली। खुद आरक्षी अधीक्षक ने लोगों के पास जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। देखिए हमारे संवाददाता विमल कुमार की रिपोर्ट। जिले में कुल 14 इंटरस्टेट बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा 58 और चेक पॉइंट बनाया गया है तथा अन्य सभी स्ट्रेटजिक पॉइंट पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही बैंक आदि में भी सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स करने के लिए पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। लगभग 900 वाहनों से 10 लाख से ऊपर की जुर्माना राशि वसूल की गई है और 72 अभी तक प्राथमिकी दर्ज की गई है लॉकडाउन उल्लंघन का, जिसमें 172 व्यक्ति नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें 122 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सभी क्वारंटीन सेंटर पर उपलब्धता के आधार पर बल प्रतिनियुक्त है और निगरानी रखी जा रही है। और क्या शक्ति अपनाई जा रही है सर? तभी जो भी आवश्यक आवश्यक वस्तु के को लेने के लिए निकल रहे हैं, उनके अलावा बाकी सभी लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।